आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ की डिटेल्स बताएंगे आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। सपोज हम एक ग्राफ ले लेते हैं माइनस, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस वन। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, सपोज मान लो मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं, और जैसे एक बॉक्स बना लेते हैं हम यहां पे वैल्यूज के लिए, इसमें हमने क्या किया, ये एक्स और ये एफ एक्स लिख लिया, और इनकी हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं और इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सपोज मैं ये वैल्यूज ले लेता हूं, सपोज एक्स की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस वन। एक्स की वैल्यू सपोज मैं वन पुट करता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस नाइन। एक्स की वैल्यू अगर थ्री पुट करता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेंटी सिक्स। एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस वन पुट करता हूं, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सपोज, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये मैं यहां राइट साइड पे बना रहा हूं, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा। सपोज ये वाई एक्सिस बनाई मैंने और ये एक्स एक्सिस बनाई, इट इज जीरो, ये एक्स एक्सिस है, इट इज ओरिजिन, इट इज एक्स माइनस, इट इज वाई माइनस। जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, तो ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। अब इट इज पैराबोला, ये ग्राफ पैराबोला है और ओपन डाउनवर्ड्स है, इट इज ओपन डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर खुला हुआ है। तो इससे हमें क्या चीज पता लगती है कि ओपन डाउनवर्ड्स अगर पैराबोला हो, तो एक चीज हमें पता लगती है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज नेगेटिव। अगर हम ध्यान से देखें तो कोफिशियंट एक्स स्क्वेयर का इस ग्राफ में क्या है, माइनस थ्री है। तो एक चीज हमें पता लगी कि कोफिशियंट अगर एक्स स्क्वेयर का नेगेटिव है, तो ग्राफ का जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट ओपन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ओपन होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझने वाला है, इफ ग्राफ डज नॉट टच और कट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को ना ये टच करता है ना ही ये कट करता है, ना तो एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है ना ही ये कट कर रहा है, इट्स फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हैं आर नॉट पॉसिबल। फैक्टर्स के लिए हम रियल फैक्टर्स की बात करते हैं, इट्स रियल फैक्टर्स जो हैं दे आर नॉट पॉसिबल। अगर ये यहां पे देखो, जैसे ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं,
देन ग्राफ इज नॉट फैक्टराइज, इक्वेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल. थर्ड चीज मीन्स हम थर्ड चीज इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इफ पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोस, अगर रियल जीरोस नहीं है एंड पैराबोला डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये क्रॉस नहीं कर रहा तो इसकी रियल जीरो जो है वो नहीं बनती अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, ठीक है. अब इसका रीजन ये है कि सारी की सारी जो एफ एक्स की वैल्यू है, ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास एफ एक्स की, आप ध्यान से देखो ऊपर, सारी वैल्यूज एफ एक्स की क्या है हमारे पास, नेगेटिव है. ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर नेगेटिव. जीरो पुट करते हैं माइनस वन आया, वन पुट किया माइनस टू आया, टू पुट किया माइनस नाइन आया, थ्री पुट किया माइनस 26 आया. सारी की सारी वैल्यूज एफ एक्स की हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव आई है. चौथी चीज ये हो गई, तो ये ओपन डाउनवर्ड हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज की वजह से और रिमेन्स बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है. अगर हम इसके कोफिशियंट्स लेते हैं, मान लो इसके कोफिशियंट क्या थे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. इसके कोफिशियंट्स को हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, a इज इक्वल्स टू माइनस 3, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये तीन वैल्यू आई. अब ये तीन वैल्यूज है तो पैराबोला का वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है, वर्टेक्स जहां पे पैराबोला मुड़ रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, वर्टेक्स कौन सा होता है, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स. इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज माइनस बी ओवर 2a एंड माइनस डी ओवर 4a. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हैज कोऑर्डिनेट्स माइनस बी ओवर 2a एंड माइनस डी ओवर 4a. जो d की वैल्यू होती है, d इज इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. ये हमेशा बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है, ठीक है. अब इससे हमें क्या पता लगा, अगर पैराबोला, कोई भी पैराबोला रियल फैक्टर्स में बना रहा है, मेकिंग रियल फैक्टर्स, देन इट विल कट और टच एक्सिस. अगर ये रियल फैक्टर्स बना रहा है तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, कोई भी पैराबोला, ठीक है. अब सेकंड, अगर पैराबोला टू इक्वल फैक्टर्स बना रहा है, दो फैक्टर्स इसके इक्वल बन रहे हैं, टू इक्वल फैक्टर्स, देन इट विल टच द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा अगर ये इक्वल फैक्टर्स बना रहा है. और अगर ये फैक्टर्स नहीं बना रहा देन इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस और कट द एक्स एक्सिस. ये हमने ऊपर क्लियर कर लिया, ठीक है. अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है तो ए बी एंड सी उसके साइंस कैसे होंगे. सिर्फ आपको ग्राफ दिए हुए हैं एंड यू आर टू फाइंड द साइंस ऑफ, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन ऑफ ए बी एंड सी, इनके हमने साइंस निकालने हैं. आपको सिर्फ ग्राफ गिवन है, ग्राफ में आपने साइंस निकालने हैं. मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है,
वाई, ये वाई माइनस, और हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से है, ऐसे। दिस इज आवर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की वैल्यूज आपको क्या पता होता है, माइनस बी ओवर टू ए एंड माइनस डी ओवर फोर ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द साइंस ऑफ ए बी एंड सी, हमने तीनों के साइंस निकालने हैं। इक्वेशन ये हमारी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पहली चीज, ग्राफ इज डाउनवर्ड्स ओपन्ड, देयरफॉर ए इज नेगेटिव। ए नेगेटिव होगा अगर ग्राफ डाउनवर्ड्स ओपन है। तो ए के साइन का हमें ग्राफ को देख के ही पता लग जाता है कि ग्राफ डाउनवर्ड ओपन है, तो ए इज नेगेटिव। नाउ हमारे वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स है हमारे पास बी अपॉन टू, अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं, बी का क्या होगा, तो माइनस बी ओवर टू ए। आप इसको ध्यान से देखो, माइनस बी ओवर टू ए जो है इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस बी ओवर टू ए ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में है, एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, x एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो माइनस बी ओवर टू ए हम x एक्सिस पे चेक करेंगे, x एक्सिस पे क्या हुआ, माइनस बी ओवर टू ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तो माइनस बी ओवर टू ए दैट इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो को इधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, ठीक है, तो प्लस b क्या आ गया हमारे पास, प्लस b इज व्हाट, माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन प्लस बी, ये हमारा माइनस बी ओवर टू ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो हो गया हमारे पास, एंड प्लस बी इज लेस देन जीरो हो गया हमारे पास। जब बी को इधर जाएंगे, जीरो इधर आ जाएगा, तो प्लस बी जो है दैट इज लेस देन जीरो। थर्ड, थर्ड हमारे पास क्या हुआ, माइनस डी ओवर फोर ए। अब थर्ड में आप क्या करो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो अपनी इक्वेशन में, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज हमारा पास क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, x की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू ए इंटू जीरो स्क्वेयर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, ये सारे जीरो हो गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c आ गई, y इज इक्वल्स टू c। अब y एक्सिस क्या है हमारी, y एक्सिस के, y एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है, हमारा ये पॉइंट पॉजिटिव की तरफ है, तो y इज ग्रेटर देन जीरो है, देयरफॉर c इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमारे पास इस ग्राफ में क्या मिला हमें, a इज लेस देन जीरो, b इज लेस देन जीरो एंड c इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमने इनके साइंस जो है निकाल दिए, साइंस कैसे हो गए। अब हम एक ग्राफ और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ग्राफ हम ले लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं एक, नाउ ये हमारा वर्टेक्स है, इट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो गया, माइनस बी ओवर टू ए माइनस डी ओवर फोर ए, ये वर्टेक्स के हमारे वो हो गए। ग्राफ इज ओपन अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स, इक्वेशन वही हमने ली है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओपन अपवर्ड्स हो तो क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन जीरो होता है, इट इज ओपन अपवर्ड्स, ए इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ माइनस बी ओवर टू ए, माइनस सेकेंड हम लेंगे, माइनस बी ओवर टू ए, अब एक्स एक्सिस पे बी ओवर टू ए किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, देयर फॉर बी इज लेस देन जीरो, तो बी हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ए हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके बाद सी, सी के लिए हम वही पुट करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, y इज इक्वल टू ए इंटू जीरो स्क्वेयर जीरो प्लस जीरो प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सी हो गया हमारे पास। अब y की वैल्यू
सी आ गई हमारे पास। नाउ सी, अब ये वाला पॉइंट जो है पी, वाई की वैल्यू सी है, मीन्स वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सी आ रही है। वहां पे जो पिछला हमने ग्राफ लिया था इसमें ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी हमारे पास, ये वाला पॉइंट पी जो है यहां पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी इसके ऊपर, और यहां पे वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट इज नेगेटिव इन दिस ग्राफ। तो नेगेटिव है तो सी क्या हो गया हमारे पास, सी इज लेस देन जीरो, सी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, सी इज ऑल्सो नेगेटिव इन दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन टच वाला ले लेते हैं, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सपोज ये हमने ग्राफ बना लिया, इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इक्वेशन हमारी वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज द इक्वेशन। तो ओपन अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए जो है जीरो से बड़ा है। इसके बाद ये पॉइंट क्या होता है, माइनस बी ओवर टी ए टू ए एंड माइनस डी ओवर फोर ए। अब माइनस बी ओवर टू ए, एक्स एक्सिस चेक करते हैं, इट इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो, मीन्स ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। थर्ड इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, वाई एक्सिस चेक करेंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सी। ये पॉइंट पी हमारा पॉजिटिव है वाई के ऊपर, इट इज पॉजिटिव, तो वाई इज इक्वल टू सी, देयरफॉर वाई जो है ग्रेटर देन जीरो, देन सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो साइंस क्या हो गए, ए का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, बी का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, सी का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये हमारा ग्राफ को देख के ही हमें गैस लगाना पड़ेगा कि कैसे हम ग्राफ को देख के गैस लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइंस हैं ए बी सी के या नेगेटिव साइंस हैं। आप इस ढंग से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।